Students, you have seen that how author is facing in the ocean at the time of traveling by barge. लेखक किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से समुद्री तरंगे उसको परेशान कर रही हैं, लेखक डूब भी जाता है, ऊपर उतरता है, नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, वह भी घायल हो गया है, सब परिवार उसका बैठा हुआ है, दो नाविक भी हैं, नाव में पानी आ रहा है, किट और 1500 किलोमीटर की दूरी वाले समुद्र में वीरान जहां पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उस जगह पे कैसे वो नौका को संभाल के चल रहे हैं, अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं, इसका यह हेयर राइजिंग कंडीशन ऐसी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली परिस्थितियां इस समय लेखक के सामने हैं। After finding a hammer, लेखक जो है डूब रहा है, करता क्या है कि I have swam half crawled into the children's cabin। जब वह पानी से बाहर निकलता है तो वह कुछ दूर तक, आधे दूर तक स्वयं स्विम का सेकेंड फॉर्म है, स्वयं हाफ आधा दूर तक जाता है जहां उसके बच्चे जिसके केबिन में बैठे हुए हैं, क्राउड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन और कुछ दूर तक रेन कर जाता है, आर यू ऑल राइट, और उसे पूछता है कि आप लोग ठीक हैं, आई आस्क, मैंने कहा एस, दे एंशर्ड फ्रॉम दी अपर बंक, जो बैठने वाली ऊपर की सीट है, बर्थ है नाव पे, उससे आवाज आती है कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, बट माई हेड हर्ट्स अभी, लेकिन मेरे सर में चोट लगी है, द सूज की सुजेनी पॉइंटिंग टू द बिग बंप एवं राइज, और सुजेनी जो है कह रही है कि हमारे आंख के सामने ऐसा लग रहा है कोई घूमता खड़ा है, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास घूमते हुए उसके सरों के लिए कोई चिंता नहीं थी और नहीं वक्त था उसके बारे में सोचने का, क्योंकि जिंदगी को बचाना था। After finding a hammer, तभी एक हथौड़ा मिलता है उसे, स्क्रूज एंड कैनवास, स्क्रू जो होते हैं रिपीट टाइट करने वाले, और कैनवास मिलता है। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने बड़े मुश्किल से डेक के छत पर जाकर, विद द स्टार बोर्ड साइड, स्टार बोर्ड साइड कहते हैं नाव की दक्षिणी तरफ, बास्ट ओपन, जो पार्शली खुला था, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव द ब्रोक ओवर अस, जहां से हम लोगों के पास पानी बहकर आ रहा था, इफ वी कुड मेक सम रिपेयर्स, यदि हम उसकी मरम्मत कर देते हैं, उस बास को क्लोज कर देते हैं, तो वी वुड श्योरली स्विम, अगर उसको श्योर कर देते हैं तो बच जाते हैं, नहीं तो श्योरली स्विम, हम लोगों का समुद्र में डूबना निश्चित था। Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof hatch cover across the gaping holes, somehow किसी तरीके से, anyhow I managed, मैंने व्यवस्था की to stretch canvas को फैलाने के लिए
एंड सिक्योर वाटर प्रूफ, और वाटर प्रूफ को लगाने के लिए, जलरोधक चीज जो है उस पर फैलाने के लिए, कवर करने के लिए, उससे ढकने के लिए एक रास दी, गैपिंग होल्स, गैप जो होल थे, छिद्र थे, जो गैप थे उसमें खाली जगह थे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी धारा के रूप में नीचे गिर रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड, लेकिन ज्यादातर पानी रिफ्लेक्टेड हो गया, डाइवर्ट हो गया, यानी उसकी दिशा बदल गई पानी बहने की, ओवर द साइड, ऊपर छत के ऊपर। मोर प्रॉब्लम अराउज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, उस समय सबसे ज्यादा समस्या हुई जब हाथ की पंप हम लोगों की बंद हो गई। विद द डेब्रिस, डेब्रिस माने रब्बिश, कचड़े उसमें फंस गए और उसके कारण हम लोगों की जो पंप थी वो बंद हो गई। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक प्लंप पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो केबिन में इलेक्ट्रिक पंप लगी हुई थी उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया। द वॉटर लेविल रोज थ्रेटनिंगली, और नाव के सतह पे, नाव में पानी भयावह दृष्टि से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रैंच्ड ओवरबोर्ड, जब मैं ऊपर जाके देखा तो दोनों और जो पंप थी एक्स्ट्रा वो आईटी हुई, रस्सी के सहारे पड़ी हुई हैं, अलोंग विद द फॉरेस्ट सेल, जो रस्सी नाव के आगे लगी हुई, मस्तूल के सामने लगी हुई होती है। द जीव द डीन हाइट एंड द मेन एंकोर, और मुख्य लंगर के साथ उनका जो उसकी जो डिंगी है वो लटकी हुई है। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तब मेरे को याद हुआ कि another electric pump, एक दूसरी इलेक्ट्रिक पंप भी चार्ट रूम में, यहाँ नक्शा रखा हुआ है इस फ्लोर पे, उस पे पड़ी हुई है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड एंड इट वर्क, और मैं उसे संपर्क किया, यानी उसको ढूंढा और धन्यवाद दिया, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया क्योंकि वह वर्क कर रही थी, चल रही थी। The night dragged on with an endless, bitterly cold, routine of the pumping, steering and working the radio. The night dragged, पूरी रात बीत गई, खींच ली गई, on with an endless, bitterly routine of pumping, बुरी तरह पंपिंग करते हुए, स्टीयरिंग संचालित करते हुए, एंड वर्किंग और काम करते हुए द रेडियो, यानी जो सूचना तंत्र था नाव का, उसको भी सूचना प्राप्त करने के लिए बुरी तरह प्रयत्नशील रहे हम लोग। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, नो आवर मेड ए कॉल्स, किसी भी नाव के द्वारा जो समकक्ष में हो उससे संवाद स्थापित हो रेडियो के द्वारा, लेकिन कहीं भी किसी नाव से मिड डे कॉल्स, मतलब नियर नजदीक नाव होने का उत्तर नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यह अलग इस संसार में, समुद्र में, के संसार में एक कोने में होना स्वाभाविक चीज है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सुजेनी हैड स्वेलन अलार्मिंगली, सुजेनी का जो सर था वो
उसमें सूजन हो गया। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी आंखें फुल गईं, एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म्स, उसने अपने बांह में एक गहरा घाव का निशान दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों अभी तक अपने घाव के बारे में नहीं बताया, she replied, तो उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all, मैं उस समय आपको परेशान नहीं करना चाहता था जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3, 3 जनवरी की सुबह, the pump had the water level sufficiently under control, उस पंप से जो पानी का स्तर था पूरी तरह से कंट्रोल में हो गया, नियंत्रण में हो गया हम लोगों के। To take 2 hours rest in rotation, दो दो घंटे के अंतराल में हम लोग उस पंप को चलाते थे, दो घंटे रेस्ट लेते थे, दूसरा दो घंटे चलाता था, फिर तीसरा दो घंटे चलाता था, इस प्रकार से। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking, लेकिन जब मैंने चेक किया तो नाव के तलहटी में नीचे से पानी ऊपर आ रहा था नाव में, जहां पर एक लीकेज था, छिद्र था। I found that nearly all the boat main beam frames were smashed down to the keel, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में नाव के दाएं तरफ के पेटे के एक पूरे हिस्से को सिर्फ कुछ भागों ने पकड़ रखा है। स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू का कपबोर्ड पार्टीशंस कर, आई फाउंड दैट नियरली द बोट मेन रीप फ्रेम वेयर स्मैश, उसका जो रीप फ्रेम था वो टूट गया था। डाउन टू द कील, जो कील के नीचे तक का, इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल, जो नाव के दाईं तरफ का धरातल है, सतह है, सरफेस है, उस पे एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस, उसके पूरे वजन को कुछ कपबोर्ड जो थे आलमीराज थे वो संभाल के रखे थे। We had survived for 15 hours since the wave hit. हम लोग लगभग 15 घंटे तक गति के जो लहर थी उसको मुकाबला करते रहे, झेलते रहे। But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन जो हमारे जहाज थी वे वाकर वह हम लोगों की का साथ बहुत समय तक नहीं दे सकती थी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए। I checked our chart, मैंने अपने अपना चार्ट चेक किया, and calculated that there were 2 small islands, और कैलकुलेट किया कि दो यहां छोटे द्वीप हैं, 200 kilometers to the east, कुछ किलोमीटर, few hundred, कुछ 100 किलोमीटर पूर्व में, वन ऑफ देम आईली एस्ट्रम, आईली एस्ट्रे एस्टार्डम, एमेस्टर्डम, आईली एमेस्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, आईली एमेस्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pink ridges. हमारी आशा थी कि हम इस छोटे से द्वीप पे पहुंच जाएं, in the vast ocean, इस विशाल समुद्र में। But unless the wind and seas abated, लेकिन तभी
विंड माने हवा, सीट एवेटेड समुद्र की हवा एवेटेड माने थोड़ा कम हुई, सो वी कुड हाइट स्टेयर, इसलिए हम अपने मस्तूप को और ऊपर उठा दिए, आवर चांसेस टू स्लीम इन डेड और आवर चांसेस विल बी स्लीम्ड। लेकिन इसके बहुत कम चांसेस थे कि द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि यह जो भयानक वेव थी, लहरें थी, वो हमारी जहाज को, समुद्री जहाज को आउट ऑफ एक्शन कर दी थी, निष्क्रिय कर दी थी। नेक्स्ट रिमेन थिंग्स नेक्स्ट डे। थैंक यू।